अस्सलाम वालेकुम। आज हमने कहना ड्रग्स दैट अफेक्ट बोन मिनरल हेमोस्टेसिस। तो जो बोन की हेमोस्टेसिस से होता है, जो मिनरल की इन्वॉल्वमेंट होती है, मतलब कि मिनरल का जो बैलेंस होना होता है बोन्स के अंदर, उनको जो ड्रग्स अफेक्ट कर सकती है, हमने उसके बारे में पढ़ना है। तो दो तीन चीज़ें मेजर हैं इसमें, इस ये चैप्टर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये वाला इस यूनिट में से, और एक वो जो था डायबिटीज वाला, और तीसरा वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड वाला। ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डीपीटी के लिहाज से, तो इसमें से एलईक्यू भी आता होता है। अच्छा, अब ये है कि दो तीन चीजें हैं जो ये सारी होमियोस्टेसिस में जो है ना रेगुलेशन करवा रही होती है। एक होता है पैराथायराइड हार्मोन, एक होता है वाइटामिन डी, और एक होता है फिब्रोब्लास्टिक ग्रोथ फैक्टर 23 आर द प्राइमरी रेगुलेटर। वेयर एज उसके अलावा जो सेकेंडरी रोल्स हैं वो हमारे पास कुछ और चीज़ें हैं जो अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। तो पहले तो इसका बॉक्स कर लेना आपने कि हार्मोनल किस तरीके से बैलेंस किया जा सकता है, और नॉन हार्मोनल जो है वो किस तरीके, मतलब ड्रग के थ्रू जो है वो किस तरीके से बैलेंस किया जा सकता है। अब डिफरेंट कंडीशन होती हैं जिनमें ये जो बैलेंस है ये खराब हुआ होता है, जिसकी वजह से हमें या तो वो हार्मोनल अगर ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो हमें वो देना पड़ेगा। तो हमारे पास ये कैटेगरीज हैं जिसने यहाँ पे बताई हुई, पीटीएस या फिर विटामिन डी, कैल्सिटोनिन, एस्ट्रोजन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं स्टीरॉयड वाले चैप्टर में, तो ये हम दे सकते हैं। और अगर हार्मोनल नहीं देना, दूसरा देना है मतलब कि नॉन हार्मोनल, तो हम ड्रग्स की फॉर्म में उसको वो भी दे सकते हैं। अच्छा, पहले है पैराथायराइड हार्मोन, ये आपने नहीं करना, आपने करना है विटामिन डी। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देने के लिए बता देती हूँ कि जो पैराथायराइड हार्मोन है ये जो है ये क्या करता है। इसका ये यहाँ पे मेन तीन चार लाइनें लिखी हैं, ये आप थोड़ा पढ़ लेंगे तो आपको आगे समझने में आसानी हो जाएगी। एक तो ये है कि ये जो पैराथायराइड हार्मोन है ये क्या करता है, किडनी में कैल्शियम की एक्सक्रीशन करवा रहा होता है, प्रमोट करवा इनहिबिट करवा रहा होता है सॉरी, और जो फॉस्फेट है उसकी एक्सक्रीशन को प्रमोट करवा रहा होता है। तो आपको पता है कैल्शियम और फॉस्फेट दो मेन जो है मिनरल हैं जो बोन की फॉर्मेशन में या उसकी मेंटेनेंस में या उसकी स्टेबिलिटी में रिक्वायर होते हैं। तो यहाँ पे जो पीटीएच यानी पैराथायराइड हार्मोन का जो काम है वो क्या है कि उसने एक्सक्रीशन को किडनी में कैल्शियम की कम करवाना है, रोकना है, और फॉस्फेट की एक्सक्रीशन को एक्टिवेट करवाना है। उसके अलावा मतलब ये उसके काम है जो हार्मोन है पैराथायराइड हार्मोन। इसके अलावा ये क्या करता है, एक्टिव मेटाबोलाइट्स बनाता है विटामिन डी के। विटामिन डी जो आप लेते हो फूड से, या अगर आप बाहर से वैसे टेबलेट की फॉर्म में या फिर कैप्सूल की फॉर्म में ले रहे हो, तो वो जो है वो एक्टिव नहीं होता, वो बॉडी के अंदर जाके आपके लिवर और किडनी के थ्रू डिफरेंट पाथवेज वो एक्टिव फॉर्म में आता है, और वो जो एक्टिव फॉर्म होती है उसने आगे अपना फंक्शन शो करना होता है। तो वो ये कह रहा है कि ये जो है जो बाहर से आ रही है इनएक्टिव विटामिन डी, उसको ये जो पीटीएच है ये कन्वर्ट करता है एक्टिव विटामिन डी में, और फिर वो आगे अपना काम शो करता है। और अगर बोन में बात की जाए कि बोन में इस हार्मोन का क्या काम है, तो बोन में ये इंक्रीज करता है एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ये तो आपको पता है उनका नेचुरली क्या काम होते हैं इन दोनों सेल्स के। अच्छा, अब ये जो है ये मेन चीज थी, यहाँ पे आपको एक दफा ओवरव्यू ताकि हो जाए कि इसका क्या काम होता है और किस तरीके से ये आ गया हमें। एक और यहाँ पे था लिखी हुई बात कि सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन इज प्राइमरीली रेगुलेटेड बाय द सीरम कंसेंट्रेशन ऑफ फ्री आयोनाइज्ड कैल्शियम। यानी कैल्शियम का जो लेवल है ना सीरम के अंदर, उससे ये रेगुलेट होता है, मतलब कि अगर ज्यादा हो रहा है तो उस लिहाज से फिर उसकी सिंथेसिस या सेक्रेशन होगी। क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि इसने पैराथायराइड हार्मोन ने सेक्रेशन एक्सक्रीशन जो है किडनी के थ्रू कम करवानी है, इनहिबिट करवानी है। तो फिर ये डिपेंड करेगा ना कि सीरम में अगर कंसंट्रेशन कितनी है, उस लिहाज से फिर उतना पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होगा और फिर उतनी एक्सक्रीशन होगी या नहीं होगी, वो उस लिहाज पे डिपेंड करेगा कि पैराथायराइड हार्मोन रिलीज हो रहा है कि नहीं। उस पे आगे है कि ए ड्रॉप इन फ्री आयनाइज्ड कैल्शियम स्टिमुलेट। अब देखो ड्रॉप हो रहा है,
अगर कैल्शियम ड्रॉप हो रहा है तो क्या मतलब है कि वहां पे कमी हो रही है सीरम के अंदर कैल्शियम की। जब कमी हो रही है तो आप चाहते हो कि कैल्शियम की कमी ना हो, तो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होगा। और पैराथायरॉयड हार्मोन का क्या काम था कि उसने किडनी से उसकी एक्सक्रीशन रोकना था। तो फिर हमारे पास वो काम जो है हमारे लिए फायदेमंद हो गया ना, क्योंकि हमारे पास पहले ड्रॉप हो रही है तो हम नहीं चाहते कि और एक्सक्रीट आउट हो, तो वहां पे वो इनहिबिट कर देगा जाके एक्सक्रीशन को कैल्शियम की। आगे एक्टिव मेटाबोलाइट्स ऑफ विटामिन डी प्ले सेकेंडरी रोल इन। अब कह रहा है कि विटामिन डी के जो एक्टिव मेटाबोलाइट होते हैं, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, तो वो कह रहा है कि उनका भी रोल है रेगुलेशन में किसकी, पीटीएच की। अच्छा, उसकी आगे हम ये जो है ना विटामिन डी करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन डी। ये आपके जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता होता है, ये आ जाता है या फिर आगे नॉन हार्मोनल वाले भी आ जाते होते हैं। अच्छा, एक तो पहले सब बता दिए गए फैट सॉल्युबल विटामिन। अब आपने देखा होगा ये अक्सर कहते हैं कि रात को दूध के साथ, गर्म दूध के साथ इसको जो इसके जो इंजेक्शन होते हैं वो पीते हैं, मतलब कि डिजोल्व करके उसको, वो कहते हैं उसको इंजेक्शन है, लेकिन वो पीते हैं मतलब कि उसको ऑरली ही इनटेक करते हैं। एंड कैन बी सिंथेसाइज इन दी, क्योंकि उसको हम वैसे पेरेंटली भी दे सकते हैं, लेकिन यूजुअली जो होता है वो ऑरली उसको विद एनी फैट फैटी थिंग, क्योंकि आपको पता है ये दूध वगैरह में मलाई वगैरह इस तरीके से और फैट्स होती हैं, तो इस वजह से उसमें इजीली वो अंदर जाके एब्जॉर्ब हो सकता है बॉडी में। कैन बी सिंथेसाइज इन द स्किन फ्रॉम, अच्छा अब ये कह रहा है या तो वो स्किन के अंदर भी सिंथेसाइज हो सकता है बाय फ्रॉम 7-dehydrocholesterol अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विटामिन सॉरी अल्ट्रावायलेट लाइट और अब्सॉर्ब फ्रॉम डाइट इन द फॉर्म ऑफ इन द नेचुरल फॉर्म। अच्छा, या तो वो नेचुरल फॉर्म आपने फूड लिए, वहां से विटामिन D3 जो है वो चला गया, अब्सॉर्ब हो गया, या फिर वो खुद सिंथेसाइज हो सकता है अल्ट्रावायलेट। कहते हैं ना कि सन रेज जरूर लेनी चाहिए एटलीस्ट 20 मिनट्स डेली, के आपकी जो है उससे विटामिन डी फॉर्मेशन होगी, और वो आपकी स्किन में किस तरीके से हो रही है, फ्रॉम 7-dehydrocholesterol से। ये केमिकल है जो आगे फर्दर सिंथेसाइज करता है विटामिन D3 को। अच्छा, उसके बाद ये तो उसने आपको जनरली बता दिया कि आप विटामिन डी है क्या और किस तरीके से सिंथेसिस होती है इसकी। अच्छा, इधर आगे नीचे देखें तो आगे है एक्टिव मेटाबोलाइट्स आर फॉर्म इन लिवर एंड किडनी। वही बात जो मैंने आपको पहले बताई थी कि जो हम बाहर से ले रहे हैं विटामिन D3 वो एक्टिव नहीं है, उसने अंदर बॉडी में जाके एक्टिव होना है थ्रू डिफरेंट पाथवेज, और वो मेन जो है कहाँ पे हो रहे होते हैं, लिवर में या फिर किडनी में। अब उसने बता दिया कि लिवर में अगर वो हो रहा होगा तो वो ये वाला मेटाबोलाइट बना रहा होगा, और अगर किडनी में वो हो रहा होगा तो वो ये बना रहा होगा। असल में होता ऐसे है, यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखें, सॉरी वो नीचे है डायग्राम के, पहले ये देखें 7-dehydrocholesterol था हमारे पास, अल्ट्रावायलेट रेज पड़ी उस पे, तो वो प्री D3 में मतलब D3 की पहली फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और फिर हीट से आगे जो था D3 में, विटामिन D3 में जो है कन्वर्ट हो गया। उसके बाद ये आपने तो बन गया। अब विटामिन D3 जो है वो एक्टिव नहीं है फॉर इट्स फंक्शनिंग, तो क्या है कि लिवर उसको कन्वर्ट कर देगा टू एन एक्टिव मेटाबोलाइट, और वो है 25-hydroxy, यहाँ पे इसका नाम पूरा लिखा हुआ हाइड्रोक्सी विटामिन डी 25-डी नहीं सॉरी ये देख 25-hydroxy विटामिन डी, ये जो है ये लिवर ने बनाया। उसके बाद यही वाला जो है 25-hydroxy विटामिन डी जो है ये आगे थ्रू किडनी बनाएगा, दो आगे मेटाबोलाइट्स बना सकता है ये, ठीक है। ये उन्होंने केमिकली उसका जो है नाम बताया हुआ है, स्ट्रक्चरली उसका नाम बताया हुआ, और दूसरा जो है उसने वैसे उसका जो कॉमन नेम बताया हुआ। तो अगर किडनी कन्वर्ट कर दे अंडर दीज कंडीशन के, अगर फॉस्फेट का लेवल कम है या कैल्शियम का लेवल कम है या पैराथायरॉयड हार्मोन एक्टिवेट हुआ हुआ है, या फिर जो फिब्रोब्लास्टिक ग्रोथ फैक्टर 23 है वो अपना वो इस जो पाथवे पे अपना नेगेटिव रोल करेगा, जबकि
हार्मोन जो है वो अपना पॉजिटिव रोल करेगा, यानी वो स्टिमुलेट करेगा इसको, इस कन्वर्जन को. तो वो क्या होगा, जो हमारे पास पहले बना हुआ था 25-हाइड्रोक्सी वाइटामिन डी, वो कन्वर्ट हो जाएगा कैल्सीटीरोल में, ठीक है. और अगर हमारे पास दूसरी कंडीशंस हो, जिस तरह के फॉस्फेट का लेवल ज्यादा है या कैल्शियम का लेवल ज्यादा है, या फिर हमारे पास जो है एक और इस मेटाबोलाइट बना हुआ है वाइटामिन डी का, तो वो क्या करेगा, वो स्टिमुलेट करेगा एक और मेटाबोलाइट के सिंथेसिस को, जो के यहाँ पे उसने बताया हुआ है सेकेल्सीफेरोल. ये जो है ये इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी. यानी पहले लिवर से वो बन रहा है एक मेटाबोलाइट, और वही मेटाबोलाइट आगे फिर किडनी में जाके और मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो रहा है. और फिर हर मेटाबोलाइट के अपने जो है रोल है, क्योंकि सारे एक्टिव है. एक्टिव हम तब भी उसको कहते हैं ना जब उसका कोई फंक्शन हो, फार्माकोलॉजिकल फंक्शन हो. यहाँ पे अगर आप इसकी डिस्क्रिप्शन भी पढ़ें तो उसमें भी ये लिखा हुआ है कि पहले तो उसने बता दी कि कन्वर्जन हो गई विटामिन डी की, उसके बाद मेटाबॉलिज्म हुआ 125 डाई हाइड्रोक्सी विटामिन डी 3 में, उसके बाद N2 24 25, ये केमिकल नेम्स उसने बताए हुए. और उसके बाद उसने कहा कि ये जो अर्गोस्टीरोल होता है, एक दो तरह के विटामिन डी होते हैं, एक जो आप प्लांट सोर्स से ले रहे हो और एक जो आप अपनी मतलब नॉर्मल डाइट से जो आपको मिल रहा है नेचुरल फॉर्म में, वो विटामिन डी 3 या उसे कोलीकैल्सिफेरोल कहते हैं, और अगर प्लांट फॉर्म में है तो उसको हम अर्गो सीरोल कहते हैं. यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये देखें, अर्गो कैल्सिफेरोल. तो ये विटामिन डी 2 होता है, जो आप डाइट से ले रहे होते हैं वो होता है विटामिन डी 3. अच्छा, यहाँ तक जो है वो यही उसने बताया आपको कि वो किस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है इनटू एक्टिव फॉर्म, जिसने आगे चल के फार्माकोलॉजिकल अपना एक्शन शो करना है हमें. अच्छा, अब आगे यहाँ पे वो कहते हैं, रीनल सिंथेसिस ऑफ एक्टिव विटामिन डी मेटाबोलाइट इज स्टिमुलेटेड बाय पीटीएच, ठीक है. रीनली मतलब सिंथेसिस जो हो रही है वो पीटीएच जो है उसका पैराथायराइड हार्मोन जो है वो उसको स्टिमुलेट करवा रहा है सिंथेसिस को. अच्छा, सिंथेसिस ऑफ 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी 2 इज इनहिबिटेड बाय फॉस्फेट फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 23 एंड विटामिन डी मेटाबोलाइट. ये उसने उधर भी आपको लिखा है कि ये जो है इसकी इनहिबिशन हो रही होती है बाय these factors, ठीक है. The action of vitamin D metabolize is mediated by, अच्छा अब ये है कि vitamin D action अपना कैसे perform करता है. Vitamin D जो है ना, क्योंकि एक steroid hormone है, क्या है कि ये जाता है cell के अंदर, जिसके अंदर जाके इसने function show करना है, और उसके nucleus में जो है ना receptors होते हैं, वहां पे वो receptor उसको लेके जाएगा nucleus के अंदर, और वहां जाके वो उधर जीन के ऊपर किसी पे बाइंड करेगा, और वहां पे जीन एक्सप्रेशन में जो भी उसका रोल है वो उस तरीके से वहां पे ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस करवाएगा, और फिर आगे रिस्पॉन्सेस चलेंगे. अच्छा, एक्टिव विटामिन डी मेटाबोलाइज कॉज ए नेट इंक्रीज इन सीरम कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट. यानी के जो विटामिन डी के मेटाबोलाइट्स की बात कर रहे हैं हम, जो हमारे लिए यहाँ पे मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो इंक्रीज करते हैं कैल्शियम और फॉस्फेट की कंसेंट्रेशन को ब्लड के अंदर. वो किस तरीके से कर रहे होते हैं ये दोनों काम, एक तो वो ये कर सकते हैं. अब देखें, दो काम हो सकते हैं, या तो आप उसके जो बाइट से आप ले रहे हो, जो फूड ले रहे हो उसमें से ज्यादा वो उसको अब्सॉर्ब करने लग जाए, या फिर जो है उसकी बॉडी से एलिमिनेशन जो है वो कम करवा दे. दो ही काम हो सकते हैं ना, या तो आप जो सोर्स है उधर से ज्यादा लेने लग जाओ, या फिर जो आउटफ्लो है उसको रोक दो, मतलब बाहर जाने को रोक दो. तो वही दोनों ये काम कर रहा है कि बाय इंक्रीजिंग इंटेस्टाइनल अब्सॉर्प्शन, ठीक है, इंटेस्टाइन से ज्यादा अब्सॉर्ब कर रहा है, बोन रिजॉर्प्शन, और उसके बाद डिक्रीज रीनल एक्सक्रीशन, यानी रीनली उसको एक्सक्रीट आउट जो करने से रोक रहा है, ताकि हमारे पास जो नेट है कैल्शियम का वो ज्यादा हो सके इन सीरम, नेट लेवल ऑफ कैल्शियम. अच्छा, उसके बाद आगे वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो जीआई ट्रैक्ट में या फिर बोन में जो है ना इसका ज्यादा इफेक्ट है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो अल्टीमेट मतलब कि ओवरऑल जो इफेक्ट होगा ना वो ये होगा कि
यूरिन में कैल्शियम ज्यादा होगा, लेवल ज्यादा होने लग जाएगा बिकॉज ऑफ विटामिन डी प्लेइंग इट्स रोल. ठीक है, जो विटामिन डी अपना रोल प्ले कर रहा है उसकी वजह से नेट रिजल्ट जो होगा वो हमारे पास किडनी के ऊपर क्या आएगा कि वहां पे इंक्रीज इन कैल्शियम होगा. क्यों हो रहा है ऐसे? अफेक्ट तो उसका जीआई ट्रैक पे भी था, बोन पे भी था, किडनी पे भी था, लेकिन क्या है कि बोन और जीआई ट्रैक वाला उसके ऊपर अफेक्ट ज्यादा है, यानी कि वहां पे रीजॉर्प्शन ज्यादा कर रहा है या अब्जॉर्प्शन ज्यादा कर रहा है उनमें से. लेकिन जो किडनी पे उसका इफेक्ट है तो सही, लेकिन इतना नहीं है जितना उस पे था, बोन या जीआई ट्रैक पे था, जिसकी वजह से थोड़ा सा इंक्रीज आता है कैल्शियम की लेवल में यूरिन में. ठीक है, आगे वो क्या कहते हैं, एक्टिव विटामिन डी मेटाबोलाइट आर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल मिनरलाइजेशन ऑफ बोन. डेफिशिएंसी कॉज रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट एंड ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट. अब ये सारा क्या हो रहा है कि वो मतलब वही बता रहा है कि इसकी जब ये नहीं होंगी, ये जब ये सारा प्रोसेस नहीं हो रहा होगा नॉर्मली, तो वहां पे डिफरेंट कंडीशंस आ जाएंगी जिनकी वजह से जो है वहां पे बोन फॉर्मेशन या बोन में जो है उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग में या उसके नॉर्मल मिनरल लेवल्स में चेंजेस आएंगे और जिससे फिर आगे डिजीजेस कॉज हो सकती हैं. अच्छा, अब ये ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है, इसमें क्या हो रहा होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन हो रही होती है और ये ज्यादातर इसी वजह से हो रहा होता है कि विटामिन डी की जो है उसमें डेफिशिएंसी होती है. उसके बाद ये है कि विटामिन डी मेटाबोलाइट इनहिबिट पीटीएच सेक्रेशन. ठीक है, जब विटामिन डी के मेटाबोलाइट बन गए ना, इसने पीटीएच हार्मोन की सेक्रेशन को जो है डायरेक्टली इनहिबिट करना है या इनडायरेक्टली बाय इंक्रीजिंग सीरम कैल्शियम. क्योंकि जब कैल्शियम का लेवल कम होता है तब जो है पीटीएच रिलीज होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, विटामिन डी ने क्या किया है, कैल्शियम का लेवल बढ़ा दिया है ना. हमने यहाँ पे अभी पढ़ा है कि वो किस तरीके से बढ़ा रहे हैं, इंटेस्टाइन और बोन में से वो उसकी एब्जॉर्प्शन कर रहा है कैल्शियम की. हमारे पास हो गया कैल्शियम का लेवल अब सीरम में ज्यादा, और पीटीएच को रिलीज होने में फैक्टर ही मेन ये होता है कि कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जाए, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो अल्टीमेटली क्या होगा, इनडायरेक्टली विटामिन डी जो है वो पीटीएच की इनहिबिशन करवा रहा है सेक्रेशन में. ठीक है, अब विटामिन डी या विटामिन डी के मेटाबोलाइट या उसके सिंथेटिक डेरिवेटिव ये सारे जो है इनको हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट कंडीशन में जो इनकी कमी की वजह से हो सकती है, जिस तरह की ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी हो सकती है, यानी कि बोन की जो है फॉर्मेशन जो अब नॉर्मल फॉर्मेशन है उसको उसमें इंटेस्टाइन में हो रही है वहां पे कोई, और उसके अलावा क्रोनिक किडनी और लिवर डिजीज इनमें हम यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म में यानी कि वहां पे जो हाइपरथायरॉयड जो है ग्लैंड उसकी एक्टिविटी कम हो रही है, या नेफ्रोटिक सिंड्रोम यानी कि ऐसा सिंड्रोम जहाँ पे क्या हो रहा होता है कि वहां पे किडनी का जो है फंक्शन जो है नॉर्मल नहीं हो रहा होता. अच्छा, अब इसमें ये जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है ना, इसमें यही होता है कि ना बहुत ज्यादा जो आपकी बॉडी है सिक्रीट आउट कर रही होती है प्रोटीन्स को. आपको पता है नॉर्मली तो प्रोटीन नहीं ना पास आउट हो सकते हैं, क्योंकि इतना प्रोटीन जो होते हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, इतनी स्पेस ही नहीं होती कि नॉर्मली वो पास आउट हो सके, लेकिन इस सिंड्रोम में क्या हो रहा है, प्रोटीन जो है बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने लग जाती है. एनीवेज आगे जो है, दे आर ऑल्सो यूज इन कम्बिनेशन विद कैल्शियम सप्लीमेंट टू प्रिवेंट एंड. अच्छा, आगे वो बता रहे हैं कि टू ट्रीट ऑस्टियोपोरोसिस इन ओल्डर एंड. अच्छा, उसके बाद हम इनको डिफरेंट कंडीशंस में कब यूज कर सकते हैं, जिस तरह सिरोसिस में क्या है कि वहां पे स्किन में बहुत ज्यादा जो है ज्यादा सेल्स की डेवलपमेंट, यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है सेल्स की फॉर्मेशन होने लग जाती है, मतलब एबनॉर्मली, तो वहां पे स्केल्स और पैचेस और इस तरीके से स्किन जो है वो भोगने लग जाती है. उस कंडीशन में हम ये जो है टॉपिकली उस पेशेंट को अंडर दैट कंडीशन दे सकते हैं. अच्छा, अब दो फॉर्म्स हैं जो मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि दो फॉर्म्स हैं, एक
कैली कैल्सिफेरोल और एक अर्गो कैल्सिफेरोल। तो विटामिन डी की ये दो फॉर्म्स हैं जो हम लेते हैं, ठीक है। और वो यही बता रहा है कि ये जो है डेयरी प्रोडक्ट्स या अदर फूड से या कॉमनली या सप्लीमेंट से हम इनको ले लेते हैं। अभी जी, अस्सलाम वालेकुम, अभी मुझे एक क्वेश्चन था वो पूछ लूं। अभी हाँ जी, हाँ जी, पूछ रहे हैं। यहाँ पे आपने पहले बताया कि हमारे पास अगर हम एक्टिव विटामिन डी मेटाबोलाइट्स देते हैं तो वो ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करता है, लेकिन एट द सेम टाइम विटामिन डी जो है वो बोन रिजॉर्प्शन भी करा रहा है, तो मतलब ये कैसे है? हाँ, ये मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूंगी। अभी ये डायग्राम में ऊपर जो आपके बनी हुई है ना, यहाँ पे ये ऊपर अगर आपको शो हो रही है स्क्रीन, यहाँ जी पे ये वाली, इसमें या कि ये सारा उसने बताया वो ये वहाँ पे डिस्कस करते हैं। अभी ये मैंने बताने को रखा हुआ था, डोंट वरी। थैंक ये जो है ना, ये दोनों तरफ काम कर रहा होता है। मतलब कि एक जिस तरह यहाँ पे उसने आपको बताया ना कि नेट रिजल्ट ये आ रहा है, तो इसी तरीके से इसमें भी यही होता है कि वो फॉर्मेशन भी करवा रहा होता है, उसकी रिजॉर्प्शन भी करवा रहा होता है, और इसी तरीके से जो ओवरऑल जो होता है इफेक्ट जो है वो किस तरीके से आ रहा होता है वो हम आगे चल के देखते हैं। ठीक है आप, अच्छा, थैंक यू। यहाँ पे जो है ना, ये है कि अब आपको पता है कि आपने ये जो है पोली कैल्सिफिरोल या अर्गो कैल्सिफिरोल जो है ये ले लिया डाइट से, लेकिन ये एक्टिव फॉर्म नहीं है। ये वो फॉर्म है जो आपने फूड से इनटेक किया या आपने किसी सप्लीमेंट से लिया। अब इस चीज को जाके आगे उसने रोल जो प्ले करना है वो, उसके लिए इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना जरूरी है। और वो एक्टिव फॉर्म आपके लिवर या किडनी ने करवानी है ना, उसकी एक्टिव फॉर्म बनानी है। तो अब क्या है कि अगर एक बंदा है ही किडनी कॉम्प्रोमाइज या लिवर कॉम्प्रोमाइज, तो वो किस तरीके से उसकी एक्टिवेशन करवाएगा। तो उन पेशेंट में हम क्या करते हैं, इन पेशेंट विद कंडीशन दैट इम्पेयर विटामिन डी एक्टिवेशन, जिस हिसाब से बता दिए जो मैंने आपको बताई कंडीशंस में। अच्छा, एन एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी सच एज कैल्सिटीरोल इज रिक्वायर्ड। अब ये एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी की, जो मेटाबोलाइट हमने ऊपर पढ़े हैं उनमें से ही एक की ये उसने नाम उसका बताया हुआ है कि ये जो है हम उसको एक्टिवली दे सकते हैं सिर्फ उन पेशेंट में जिनमें कॉम्प्रोमाइज हो या इम्पेयर फंक्शन हो ऑफ दोज ऑर्गन्स, ठीक है। इन द ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म एसोसिएटेड विद क्रोनिक किडनी डिजीज। अब क्रोनिक किडनी डिजीज में क्या होता है कि वहां पे हाइपो कैल्शीमिया हो रहा है, यानी कैल्शियम का लेवल ब्लड में कम हो रहा होता है। अच्छा, इन द ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म एसोसिएटेड विद, अच्छा, हाइपरथायरॉयडिज्म का लेवल ज्यादा हो जाता है किस कंडीशन में, क्रोनिक किडनी डिजीज में। अब इस चीज को हम किस तरीके से डिजीज ट्रीट करेंगे कि कैल्सिटीरोल रिड्यूस पीटीएच लेवल, पीटीएच लेवल का जो है पीटीएच जो है उसका लेवल सही करेगा, वो नॉर्मल पे लेके आएगा, और आगे फिर क्या करेगा कि करेक्ट हाइपोकैल्शीमिया जो कैल्शियम का लेवल बहुत जरूरत से ज्यादा डाउन हुआ हुआ है उसको नॉर्मल लाएगा, और इम्प्रूव बोन डिजीज, बट इट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन हाइपर कैल्शीमिया, क्योंकि हमने हाइपो कैल्शीमिया को ट्रीट करने के लिए जब दिया है वो, तो हो सकता है वो नॉर्मल से भी ज्यादा कर दे। तो वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है कि ये जो है हाइपर कैल्शीमिया या फिर हाइपर कैल्सीयूरिया यानी यूरिन में कैल्शियम का लेवल ज्यादा कर सके थ्रू डायरेक्ट इफेक्ट ऑन इंटेस्टाइन बोन एंड रीनल हैंडलिंग ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। ये वही बात कर रहे हैं ना जो हमने पढ़ा है कि इसका जो है नॉर्मली इन तीनों चीजों पे होता है, इंटेस्टाइन पे भी होता है, बोन में भी, और कैल्शियम में भी, कैल्शियम का नहीं सॉरी किडनी पे भी। तो इन तीनों में ये कैल्शियम और फॉस्फेट की जो उसकी रेगुलेशन में इन्वॉल्व होता है विटामिन डी के मेटाबोलाइट्स। तो अब क्या है कि वो ये कह रहा है कि यहाँ पे जरूरत से ज्यादा भी कैल्शियम हो सकता है यूरिन जब ब्लड में, तो ये इस चीज को भी हमें जहन में रखना चाहिए जब आप उस पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो इन सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। आगे क्या है, सेवरल फॉर्म ऑफ एक्टिव विटामिन डी दैट सिलेक्टिवली इनहिबिट। अब क्या है कि हमारे पास ये कंडीशन आ रही है ना कि आप मतलब कि ये हमारे पास जरूरत से ज्यादा भी हो सकता है, तो अब वो ये कह रहा है कि हमारे पास कुछ ऐसे भी फॉर्म है एक्टिव विटामिन डी की जो सिलेक्टिवली इनहिबिट करती हैं इस हार्मोन को। अच्छा,
while posing less risk of hypercalcemia, जो कि hypercalcemia का जो level है या उसका risk है cause होने का, उसका उनपे वो रिस्क जो है उसको कम करते हैं या वो इतना कॉज नहीं करते हैं. कुछ ऐसे मेटाबोलाइट्स भी हैं हमारे पास, तो हम उनको इस तरह की कंडीशन में यूज कर सकते हैं. अब आगे वो और मेटाबोलाइट्स का आपको बता रहे हैं कि वो कौन से हैं और वो किस तरीके से आगे कन्वर्ट होते हैं, जो हमने पहले पढ़ा था. डॉक्टर कैल्सिफेरोन इज ए प्रो ड्रग दैट इज कन्वर्टेड इन लिवर टू 125 डाई हाइड्रोक्सी विटामिन डी, वेयर एज 19 नॉर 25 डाई हाइड्रोक्सी विटामिन D2, जिसको आप इस पूरे स्ट्रक्चर को आप एक नाम दे दो, पेरिकैल्सिट्रोन, ये जो है, एंड कैल्सिफोर्ट्रिन जो है आर एनालॉग ऑफ कैल्सिट्रोन, जो हमने ऊपर बात की थी कि इधर एक जगह पे कि हम वो दे सकते हैं उसको एक्टिव फॉर्म. तो वो ये बता रहा है कि ये सब भी उसके एनालॉग्स ही हैं. ऑल कॉज लेस हाइपरकैल्सीमिया in patient with normal renal function, less hyperuria than calcitriol. हैं तो वो calcitriol के ही analog, लेकिन ये जो है less cause करते हैं hypercalcemia या पर hypercalciuria. आगे वो बता रहे हैं oral या parenteral जो है ये इन्हीं की, ये जो ऊपर drugs हमने बात की है, ये आगे बता रहे हैं कि ये किन किन conditions में हम use कर सकते हैं. एक तो secondary hyperthyroidism में, जो हमने पहले बात की, जो एसोसिएट होते हैं इन किडनी पेशेंट, क्रोनिक किडनी डिजीज में, ठीक है, जो किडनी डिजीज होते हैं, किडनी पेशेंट होते हैं, उनमें ये कंडीशन मोस्टली होती है सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म की, यानी कि जो थायरॉयड ग्लैंड है वो हाईली या ओवर एक्टिव है. अच्छा, उसके बाद ये भी हमने पहले पढ़ लिया. उसके बाद ये दीज एंड अदर एनालॉग्स आर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड फॉर यूज इन वेरियस मैलिग्नेंसी एंड इंफ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स. और भी ये कंडीशन जैसे इंफ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं जिधर जो या फिर मेलेग्नेंसीज होती हैं, जिस तरह कैंसर वगैरह, उनमें भी ये हम यूज कर सकते हैं. दी प्राइमरी टॉक्सिसिटी कॉज बाय क्रॉनिक ओवरडोज ऑफ विटामिन डी, वही बात के ओवरडोज से क्या होगा, वही इफेक्ट आएंगे जो नॉर्मली इफेक्ट आ रहे होते हैं अंडर क्या कहते हैं, नॉर्मल जो आ रहे होते हैं उन्हीं को अगर आप एक्सीड कर दो या उन्हीं को बढ़ा दो, तो वही वाले, जैसा हाइपरकैल्सीमिया का हमने पढ़ा, हाइपर फॉस्फोटीमिया या फिर हाइपरकैल्सीयूरिया. मिया जहां पे आएगा उसका मतलब है कि इन ब्लड, और यूरिया मीन इन यूरिन, ठीक है. अब हम ऊपर चलते हैं इनकी डायग्राम से. ये सारा आपने रीड कर लिया कि वो किस तरीके से मेटाबोलाइट हो रहा है, किस तरीके से जो है वो अपना एक्शन शो कर रहा है. अच्छा, अब ये जो डायग्राम है, यहाँ अगर आप देखें, आपके पास कैल्शियम या फॉस्फेट जो था वो आपने बाहर से फूड से सप्लीमेंट से जिस तरह भी था लिया, जीआई ट्रैक्ट में आया, अब वो एक्सक्रीट आउट भी हो सकता है. लेकिन अगर आपके पास वहां पे विटामिन डी एक्टिव फॉर्म में है तो वो अपना रोल प्ले करेगा. वो क्या करेगा, उसकी एब्जॉर्प्शन करवाएगा इनटू द सीरम. वो सीरम में आ गया आपका जो है कैल्शियम या फॉस्फेट. जब वो सीरम में आ जाएगा तो सीरम में आगे उसने पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होना है ना, तो वो क्या करेगा, विटामिन डी या फिर पैराथायरॉयड हार्मोन क्या अपना पॉजिटिव एक्शन, क्या पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे, वो क्या होगा कि उसकी उसको उन दोनों को एब्जॉर्ब करवाएंगे इनटू योर बोन्स, ठीक है. ये अभी हम ऊपर वाले रोहेड की बात कर रहे हैं जो बोन की तरफ है. उसमें क्या है कि विटामिन डी या जो उसके मेटाबोलाइट है या फिर पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो क्या कर रहे हैं, दोनों अपना रोल प्ले कर रहे हैं, पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं, स्टिमुलेटरी रोल प्ले कर रहे हैं इन एब्जॉर्प्शन इन टू द बोन, ठीक है. और आगे वो क्या कहते हैं, या फिर क्योंकि रेगुलेशन होनी होती है, तो ये जो है एक जिस तरह आप ड्रग का पढ़ते हो ना कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है और फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है, ये दोनों वर्ड डिफरेंट है. एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन, क्या है कि एक फॉर एग्जांपल अगर एक ड्रग लिवर में चली गई है, मतलब थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट ड्रग फ्रॉम ब्लड, अब क्या है कि वो उधर चली गई लिवर में, उधर जाके वो एक्यूमुलेट हुई है, उसने अपना एक्शन शो किया, जो भी किया, अब उसने एक्सक्रीट आउट होना है.
तो अब वो फिर से ब्लड में जाएगी, फिर से ब्लड में जाएगी, और फिर से जब वो किडनी में जाएगी तो वहां से वो फिर एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। तो उस चीज को हम जो दोबारा से वो ब्लड में जा रही है उसको कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। जो पहली दफा वो गई थी उसको कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसी तरह ये ऊपर वाला जो था वो थी एब्जॉर्प्शन, जो बाद में हो रही है वो है रीअब्सॉर्प्शन, यानी वो वापस जा रही है इनटू द सीरम। तो उस चीज को भी स्टिमुलेट करते हैं टू सम एक्सटेंट विटामिन डी, पैराथायराइड हार्मोन, और सीटी यानी कैल्सिटोनिन, जो एक हमने मेरे ख्याल में पढ़ा नहीं है इसके बारे में, इसका मेटाबोलाइट ये, अच्छा मेटाबोलाइट नहीं है सॉरी, ये आगे एक ड्रग है जो इसका जो है नेगेटिव रोल होता है, ये इसकी रीअब्सॉर्प्शन नहीं होने देती, बल्कि ये जो है इसका ये इस चीज को रोकती है, यानी नेगेटिव साइन इंडिकेट कि इस चीज को इनहिबिट करे या इस पे इनहिबिटरी इफेक्ट है उस चीज का। तो अब क्या है कि ये विटामिन डी और पैराथायराइड हार्मोन जो है ये पहले एब्जॉर्प्शन भी करवा रहा है उसकी बोन के अंदर और बाद में रीअब्सॉर्प्शन भी करवा रहा होता है। आगे देखो कि अगर वो कैल्शियम या फॉस्फेट इधर ही है सीरम में है, तो आगे अगर वो किडनी में जाता है तो किडनी में जाके वो डिफरेंट चीजों का क्या इफेक्ट होंगे। अगर विटामिन डी का नेगेटिव इफेक्ट होगा, पैराथायराइड हार्मोन का नेगेटिव इफेक्ट होगा ऑन कैल्शियम एक्सक्रीशन, ठीक है, कैल्शियम की एक्सक्रीशन कराने में इन दोनों का नेगेटिव रोल होगा। जिस तरह हमने विटामिन डी का पढ़ा था अभी कि विटामिन डी जो है वो एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम को रोकती है, इनहिबिट करती है, ठीक है। आगे हमने पैराथायराइड हार्मोन का भी यही किया था, और कैल्सिटोनिन जो है वो प्रमोट करवाएगी एक्सक्रीशन को, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। अच्छा, और किडनी पे अगर देखें फॉस्फेट के ऊपर देखें तो फॉस्फेट की भी एक्सक्रीशन को वो इनहिबिट करवा रहा होती है विटामिन डी, जबकि पैराथायराइड हार्मोन जो है वो फॉस्फेट की एक्सक्रीशन को प्रमोट करवा रहा होता है, जो हमने यहाँ पे मैंने आपको ओवरव्यू देने के लिए यहाँ पे बताया भी था, यहाँ पे कहीं लिखा भी होगा, ये देखें PTH inhibit calcium excretion, promote phosphate excretion. ये मैंने आपको यहाँ पे इसीलिए बताया था ताकि थोड़ा सा आपको ओवरव्यू हो जाए, although ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने विटामिन डी पे ज्यादा फोकस करना है। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या है कि फॉस्फेट के ऊपर पैराथायराइड हार्मोन का पॉजिटिव इफेक्ट है उसके एक्सक्रीशन में, यानी स्टिमुलेटरी इफेक्ट है। कैल्सिटोनिन जो है उस पर वो भी इसको इस चीज को प्रमोट कर रहा है एक्सक्रीशन को, और फिर फिब्रोब्लास्टिक ग्रोथ फैक्टर 23 ये भी इस चीज को प्रमोट कर रहा है। तो आगे जो है इसने इस डिस्क्रिप्शन में सारा यही बताया हुआ है, ये भी आप लोगों ने रीड कर लेना अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो तो बाद में उनसे पूछ लेना, लेकिन ये वही बातें जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब आगे इस डायग्राम पे आ जाए, पहले ये ऊपर वाली जो ए डायग्राम है इसको देखें। अब क्या है, ये वही डायग्राम है, बस उसको थोड़ा सा उसने और डिटेल में लिखा हुआ है, बनाया हुआ है। अच्छा, अब ये गट है, यहाँ से कैल्शियम जो है ब्लड में आया, और इस चीज को कौन प्रमोट कर रहे, विटामिन डी का मेटाबोलाइट है जो हमने ऊपर पढ़ा भी था, इस मेटाबोलाइट को आगे ब्लड में चला गया। जब ब्लड में चला गया तो आगे फिर बोन में उसको भेजने के लिए कैल्शियम को फिर से ये मेटाबोलाइट जो अपना रोल प्ले कर रहा है, पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, स्टिमुलेटरी रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। जबकि कैल्सिटोनिन जो है, जो जिस तरह हमने पहले पढ़ा था कि इस चीज को रीअब्सॉर्प्शन को रोकता है, यानी वापस ब्लड में जाने से रोकता है, तो वो उसने यहाँ पे वो नेगेटिव साइन शो किया, यानी कि इस स्टेप को वो कैल्सिटोनिन इनहिबिट करेगा, ये रोकेगा। उसके बाद अगर जो थायराइड या पैराथायराइड्स में जाएं हम इधर इस जगह पे, तो यहाँ पे जो पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होता है, हमने उसके नॉर्मल फंक्शन पढ़े थे क्या होते हैं ऊपर, तो अगर यहाँ पे यही जो मेटाबोलाइट जो हमने यहाँ पे ऊपर डिस्कस किया था, जो प्रमोट करवा रहा था कैल्शियम का अब्सॉर्प्शन इनटू द ब्लड, वही जो मेटाबोलाइट है वो पैराथायराइड हार्मोन की फॉर्मेशन को इनहिबिट कर रहा होता है। इसी तरह एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम का लेवल, यानी कैल्शियम का लेवल अगर हाई है तो वो भी स्टिमुलेट कर इनहिबिट करता है
पैराथायरॉयड हार्मोन को क्यों करता है, क्योंकि हमने मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर एक्स्ट्रा सेलुलर जो कैल्शियम है उसका लेवल कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तब जो है पैराथायरॉयड हार्मोन एक्टिवेट होगा. लेकिन अगर हमारे पास कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो रहा है तो वो उसको इनहिबिटरी इफेक्ट देगा पैराथायरॉयड हार्मोन को, यानी उसको कहेगा कि तुम अभी रिलीज ना हो क्योंकि कैल्शियम का लेवल तो पहले ही ज्यादा है, तो हमें और ज्यादा करने की जरूरत नहीं. अगर कम होता है कैल्शियम का लेवल तब हम पैराथायरॉयड हार्मोन को रिलीज करवाएंगे. तो अब यहाँ पे क्या ये उसका बता दिया उसने, क्योंकि पीटीएच का जो नॉर्मल फंक्शन है वो क्या है, उसने रीजॉर्प्शन को यानी वापस ब्लड में बोन से कैल्शियम को वापस बोन से जो है कैल्शियम वापस ब्लड में लेके आने में उसने स्टिमुलेटरी रोल प्ले करना होता है. तो हमने इस चीज को इनहिबिट करवाना है थ्रू दिस मेटाबोलाइट ऑफ विटामिन डी. अच्छा आगे देखो, किडनी में जो मैंने आपको वो जो उस डायग्राम में पहले बता दिया हुआ है कि किडनी किस तरीके से जो लिवर ने एक मेटाबोलाइट बनाया हुआ है उसको फर्दर आगे जो है एक और मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करता है जो हमें आगे रिक्वायर होता है, जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी जो होता है. ये जो होता है ये कन्वर्ट कौन करवा रहा होता है, किडनी करवा रहा होता है. और ये वाला जो है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी वाला ये जो है लिवर फॉर्म, एक तो ये पहले वाला जो था ये तो लिवर ने कन्वर्ट किया था ना, जो हमने बाहर से लिया था उसको लिवर ने कन्वर्ट किया था इसमें, और फिर आगे किडनी ने जो था उसको आगे फर्दर एक और मेटाबोलाइट में कन्वर्ट किया जिसका आगे फर्दर हमारे पास और मेजर रोल है. तो अब यहाँ पे वो बता रहा है कि इसकी कन्वर्जन में जो किडनी में कन्वर्जन हो रही है उस पर पैराथायरॉयड हार्मोन स्टिमुलेट कर रहा होता है इस चीज को, मतलब इस फॉर्मेशन को, जबकि जो हमारे पास फिब्रोब्लास्टिक ग्रोथ फैक्टर 23 है ये जो है ये इसको इनहिबिट कर रहा होता है. अच्छा यहाँ पे अगर हम इसका ये भी देख लें डिस्क्रिप्शन में, अब यहाँ पे वो बता रहा है कि 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द किडनी अंडर द कंट्रोल ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन एंड फिब्रोब्लास्टिक ग्रोथ फैक्टर स्टिमुलेट्स. अच्छा अब ये क्यों कह रहे हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ दीज, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पैराथायरॉयड हार्मोन जो है उसको स्टिमुलेट कर रहा होता है, जबकि ये वाला जो है फिब्रोब्लास्टिक ग्रोथ फैक्टर 23 जो है उस स्टेप को इनहिबिट कर रहा होता है, तो उसका कंट्रोल उनकी वजह से हो रहा है, इन दोनों चीजों की वजह से. अच्छा अब वो क्या कह रहे हैं, जो बन रहा होता है इन इस पाथवे से या इस किडनी में जो बन रहा है ये मेटाबोलाइट, ये जो है ना ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है इंटेस्टाइनल अपटेक ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट एंड इन दोज विद विटामिन डी डेफिशिएंसी प्रमोट बोन फॉर्मेशन. ठीक है, बोन फॉर्मेशन करवाता है जिनमें अगर किसी बंदे में विटामिन डी की कमी है तो मतलब कि वो बाहर से ले रहा है और अब वो अंदर जाके बॉडी में थ्रू लिवर एंड देन थ्रू किडनी ये वाला मेटाबोलाइट बन गया है, तो अब उस पेशेंट में वो क्या करेगा कि उसमें बोन फॉर्मेशन करवाएगा. पता है ना आपको कि विटामिन डी अक्सर जब खास तौर पे लोअर बैक की पेन हो रही होती है किसी को विदाउट एनी रीजन विदाउट एनी प्रीवियस हिस्ट्री, तो वो उसमें ये सस्पेक्ट किया जाता है कि शायद इसमें विटामिन डी की जो है कमी हो गई है, तो इसीलिए किया जाता है क्योंकि इसका बोन की जो मिनरलाइजेशन है उसमें बहुत मेजर रोल है. अच्छा उसके बाद कैल्सिटोनिन इनहिबिट रिजॉर्प्शन फ्रॉम बोन वेयर एज पीटीएस स्टिमुलेट बोन रिजॉर्प्शन. एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम या फिर 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी इनहिबिट पीटीएच प्रोडक्शन. ये वही बातें जो मैंने आपको पहले सारी एक्सप्लेन कर दी है कि किस तरीके से वो एक्स्ट्रा सेलुलर या फिर दूसरी जो जो मेटाबोलाइट है विटामिन डी के वो किस तरीके से पीटीएच की सिक्रीशन पे या उसके रिलीज पे अपना इफेक्ट शो कर रहे होते हैं. उसके बाद ये कि ये जो है ना, अब ये सारी आपको पता है आपने उसमें पढ़ा होगा मेरे ख्याल में किस सब्जेक्ट में, मेरे पैथो में या फिर वो फिजियो में, इस तरह का बोन फॉर्मेशन और इन सब सेल्स वगैरह का जो पढ़ते हैं कि इनका क्या रोल हो रहा होता है. अब ये जो सारे हैं पीटीएच या फिर जो मेटाबोलाइट है 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी, ये सारे इन स्टेप्स को प्रमोट कर रहा होता है, यानी बोन की जो फॉर्मेशन है इनको प्रमोट कर रहा होता है. जो हमने पहले एक वर्ड में पढ़ लिया वो उसने एक्सप्लेन करके यहाँ सारा बताया हुआ कि किस तरीके से कौन से स्टेप पे कौन सी ड्रग जो है
वो इनहिबिट या स्टिमुलेट कर देते हैं. लेकिन अभी हमने फिलहाल इन दोनों का पढ़ा है, पीटीएच या फिर ये मेटाबोलाइट ऑफ विटामिन डी का, तो हम इसको ही यहाँ पे फोकस करेंगे कि यहाँ पे ये हर जगह पॉजिटिवली अपना एक्शन शो कर रहा है. अच्छा, यहाँ पे उसने अगर हम इसकी भी डिस्क्रिप्शन पढ़ लें तो वो यही कह रहा है कि ये दोनों जो है रेगुलेट करते हैं बोन फॉर्मेशन में एंड रिजॉर्प्शन में. जो हमने पहले देखी है रिजॉर्प्शन कैसे होती है इनकी, दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय देयर एक्टिवेशन ऑफ प्रीकर्सर डिफरेंशिएटेड एंड बाय स्टिमुलेशन ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट प्रोडक्शन ऑफ सिग्नलिंग फैक्टर्स इंक्लूडिंग रैंक लाइगेंड. जी हम आगे चल के देखते हैं मैक्रोफेज क्लोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स, जो मुख्तलिफ फैक्टर्स उसने बताए हैं जो इन चीज़ों को इन बोन फॉर्मेशन में या बोन सेल फॉर्मेशन में जो इन्वॉल्व हो सकते हैं. ये हम आगे चल के अभी डिटेल में देखते हैं. अच्छा, यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन है तो वो मुझसे पूछ सकता है. अच्छा, आगे जो है हमारे पास है फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 23. अब ये है तो एक, मतलब इसका ये अपना रोल प्ले करता है इस सारे प्रोसेस में, लेकिन इसको हम एक ड्रग के तौर पे या बाहर बॉडी से, मतलब फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी हम इसको नहीं यूज कर सकते, तो इसलिए इसको उसने इधर डिस्कस भी नहीं किया हुआ. तो यहाँ पे उसने यही कहा है कि ये इज सेक्रेटेड बाय ऑस्टियोसाइट इन बोन एंड इनहिबिट 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी production and phosphate reabsorption in the kidney. ये चीजें हम पहले भी वो डायग्राम में ऊपर सारा डिस्कस कर चुके हैं कि वो किधर किस स्टेप पे क्या absorption करवा रहा है या inhibit करवा रहा है या stimulate करवा रहा है. ठीक है, आगे बात करते हैं calcitonin की. तो calcitonin जो है a peptide hormone secreted by thyroid gland. अच्छा, decrease serum calcium and phosphate by inhibiting bone resorption and inhibiting renal excretion of these minerals. ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है तो वो एक पेप्टाइड हार्मोन, इसने उसकी आपकी नेचर बता दी कि वो पेप्टाइड है इन नेचर है, और ये सिक्रीट कहाँ से हो रहा है, थायराइड ग्लैंड से हो रहा है. इसके बाद क्या है कि वो क्या करता है, डिक्रीज करता है सीरम की कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट. किस तरीके से करता है डिक्रीज, कि उसकी रिजॉर्प्शन कम करवाता है, यानी कि वापस नहीं आने देता बोन में से ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट को, और दूसरा क्या करता है, इनहिबिट करता है रीनल एक्सक्रीशन को, रीनली उसको एक्सक्रीट नहीं होने देता इन मिनरल्स को. तो इस तरीके से डिक्रीज हो जाता है लेवल ऑफ दीज मिनरल्स. अच्छा, आगे है बोन formation is not impaired initially but ultimately both formation and resorption is reduced. agar start mein aap le rahe ho to start mein pehle to nahi hogi lekin ultimately bone formation ya resorption jo hai dono jo hai wo iski reduce karwa dega. ye the hormone has been used in condition in which acute reduction in acha ab calcium agar kisi patient mein jo hai रिडक्शन हुई हुई है, रिडक्शन चाहिए वहां पे उसकी पे, मतलब कि उसका पहले कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा है और आप चाहते हो कि उसका कैल्शियम का लेवल कम हो जाए सीरम में, उन कंडीशंस में जो है आप ये जो है ये ड्रग जो है एज ड्रग यूज कर सकते हो हार्मोन. उसके बाद आगे है कि कैल्सिटोनिन इज, अच्छा, ऑस्टियोपोरोसिस में हम यूज कर सकते हैं उसको. अच्छा, ये जो पेजिट है ना डिजीज, इसमें क्या हो रहा होता है कि यहाँ पे जो नॉर्मल जो है बोन की जो प्रोसेस हो रहा था उसमें इंटरफेरेंस हो रही होती है या उसको नॉर्मली फंक्शन नहीं हो रहा होता, जो रिसाइकलिंग प्रोसेस होता है जैसा रीअब्सॉर्प्शन होना, एब्जॉर्प्शन होना, वो सब कुछ जो होता है वो कम्प्रोमाइज हो रहा होता है. या फिर इसमें ओवरऑल अगर आप कंडीशन में बात करें किस कंडीशन में हो क्या रहा होता है, तो आपकी बोन जो होती है वो ज्यादा फ्रेजाइल हो रही होती है या कमजोर हो रही होती है या सॉफ्टन हो रही होती है, तो इन कंडीशन में जो है ये आप यूज कर सकते हैं. उसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस में बता दिया उसने, और आगे वो एक और बात बता रहा है कि ये जो है इस ड्रग का आपको मतलब यूज करने से पता लगा है कि ये इंक्रीज करता है बोन मास में और
रिड्यूस करता है स्पाइन फ्रैक्चर्स. अच्छा, उसके बाद आगे ड्रग्स का बता दिए कि ये उनकी तरह इतनी इफेक्टिव नहीं है जो आगे हम जाके पढ़ेंगे अभी और ड्रग्स. ऑल्दो ह्यूमन कैल्सीडोनिन इज अवेलेबल, सैल्मन कैल्सीडोनिन इज मोर, सैल्मन जो है फिश है जिससे कैल्सीडोनिन ऑब्टेन किया जाता है, इज मोर मोस्ट ऑफन सिलेक्टेड फॉर क्लिनिकल यूज बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्गर हाफ लाइफ एंड ग्रेटर पोटेंसी. जो ह्यूमन वाला है वो हम ऑब्वियसली सिंथेटिक होगा, वो हम उसको डिवेल्प कर लेंगे लैब्स वगैरह में. तो वो कह रहे हैं सैल्मन फिश का जो होता है वो हम जो यूज करते हैं उसकी क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एक तो उसकी ज्यादा पोटेंसी है, दूसरी उसकी हाफ लाइफ ज्यादा है, तो हमें बार बार लेना नहीं पड़ रहा होगा और ज्यादा वो इफेक्टिव होगा. उसके बाद एस्ट्रोजन का अगर रोल हम देखें क्या ये रोल करता है अपना. एस्ट्रोजन एंड सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स, यानी जो एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स पे जाके अपना फंक्शन शो करेंगे, ये क्या कर सकते हैं, एक तो ये प्रिवेंट कर सकते हैं या डिले कर सकते हैं लॉस ऑफ बोन, ठीक है, इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, यानी जिनमें मेनोपॉज हो चुका है और उसके बाद, क्योंकि इस मेनोपॉज होने के बाद मेजर मसला ही ये आ रहा होता है बोन्स वगैरह का वुमेन में, तो उनमें प्रिवेंट कर सकता है या डिले कर सकता है. अगर प्रिवेंट नहीं कर रहा तो एटलीस्ट डिले कर देगा उस चीज को कि बोन लॉस जो है वो ना होता. देयर एक्शन इन्वॉल्व द इनहिबिशन ऑफ पीटीएस स्टिमुलेटेड बोन रीसॉर्प्शन, ठीक है. अब क्या कर किस तरह रहा है कि आपको पता है ना कि जो रीसॉर्प्शन हो रही है यानी बोन से वापस ब्लड में आ रहा है जो कैल्शियम और फॉस्फेट वगैरह, तो उसको उस चीज को ये इनहिबिट कर रहा है, ठीक है. उसे इनहिबिट करने से क्या होगा कि बोन का जो लॉस है या बोन की जो स्ट्रेंथ में जो कमी आ रही है वो नहीं होगी. आगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की बात करें, जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं कि वो किस तरीके से उनका वो अपना फंक्शनिंग कर रहे थे, यहाँ हम उसे मेनली मिनरल मेंटेनेंस के बारे में पढ़ रहे हैं कि वो किस तरीके से यहाँ पे अपना रोल प्ले कर. तो ये क्या कहते हैं, इनहिबिट बोन मिनरल मेंटेनेंस, ये इनहिबिट करता है इस चीज को. एज ए रिजल्ट क्रोनिक सिस्टमिक यूज ऑफ दिस ड्रग इज ए कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इन एडल्ट. ये हमने, मुझे याद पड़ता है कि हमने उसके एडवर्स इफेक्ट में पढ़ा था कि मेन जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का जो एडवर्स इफेक्ट है वो है ही ऑस्टियोपोरोसिस के, वहां पे बोन की जो है मिनरलाइजेशन में जो है वो डिस्टर्बेंस कॉज कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस कॉज हो रहा होता है. However, these hormones are useful in intermediate term treatment of hypercalcemia. लेकिन hypercalcemia अगर किसी patient को हुआ हुआ है, इतना severe नहीं, intermediate term nature का है, तो उसमें हम इसको use कर सकते हैं, ठीक है, ताकि उसका calcium level जो है उसको हम decrease कर सकें. आगे जो है non-hormonal agents, ये हम करते हैं अभी 5-10 मिनट की ब्रेक ले लें, नमाज वगैरह पढ़ लें जिसने पढ़नी है, तो उसके बाद फिर दोबारा मीटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है. अगर इधर तक किसी का कंफ्यूजन है तो वो मुझसे पूछ लें. आप ही फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है कि पैराथायराइड हार्मोन का जो है सेकंड पैराग्राफ, उसमें सेकंड लाइन पे लिखा हुआ है कि एलिवेटेड पैराथायराइड हार्मोन इज इंक्रीज बोन रीअब्सॉर्प्शन हाइपरकैल्सीमिया एंड हाइपरफॉस्फेटेमिया. तो ये तो अगर इसका लेवल ज्यादा होगा तो ये फास्फेट के लेवल को डिक्रीज कर देगी, तो हाइपो नहीं होना चाहिए यहाँ पर. एक सेकंड, आप यहाँ पे हो ना, जहाँ पे ये वाली लाइन है ना जो मैंने हाईलाइट की अभी. जी, इसी लाइन, ठीक है. अच्छा यार ये देखें, मैंने आपको यहाँ डायग्राम में बताया भी था, ये जो ये वाला डायग्राम बनी हुई है, कि यहाँ पे दोनों काम हो रहे हैं, एब्जॉर्प्शन भी हो रही है इनटू द बोन और रिजॉर्प्शन भी हो रही है, ठीक है ना. और दोनों में पीटीएच जो है वो पॉजिटिव स्टिमुलेटरी इफेक्ट दे रहा है, ठीक है. अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि अगर मुसलसल जो है हाइपरथायरॉयडिज्म का कोई पेशेंट है, उसमें मुसलसल जो है वो इंक्रीज लेवल ऑफ पीटीएच रह रहा है, तो उससे क्या होगा, इंक्रीज बोन रिजॉर्प्शन होगी, बोन से वापस आने वाला जो है नेट इफेक्ट. यहाँ पे नेट इफेक्ट की वो बात करें, नेट इफेक्ट का क्या मतलब होता है कि सारे जितने भी इफेक्ट उधर कॉज हो रहे हैं
उसका एक उसने अगर एवरेज ले लो या उन सारे इफेक्ट्स को कंबाइन करके एक ओवरऑल इफेक्ट निकाल लो तो वो क्या होगा. तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि नेट इफेक्ट जो आएगा, जिस तरह हमने वहां पे एक और जगह पे हमें विटामिन डी वाले में हमने नीचे देखा था कि उधर वो जीआई ट्रैक्ट में भी हो रहा था, उसका बोन में भी था और किडनी में भी था, लेकिन नेट इफेक्ट जो था वो फिर भी किडनी में एक्सक्रीशन करवा रहा था. ऑल्दो उसका जो था डिक्रीज करवा रहा था सिक्रीशन फ्रॉम किडनी, एक्सक्रीशन फ्रॉम किडनी, लेकिन फिर भी नेट इफेक्ट जो था वो क्या था कि यूरिन में कैल्शियम का कुछ ना कुछ कंसेंट्रेशन ज्यादा आ रही थी नॉर्मल लेवल से. उसी तरीके से इधर भी देखो कि दोनों हो रहे हैं काम, उसमें बोन में जा भी रहा है कैल्शियम और बोन से वापस भी आ रहा है, ठीक है. तो नेट इफेक्ट की वो बात कर रहे हैं कि जब एक बंदे में दोनों ये नॉर्मली ये दोनों काम हो रहे हैं, लेकिन जब हाइपरथायरॉइडिज्म का पेशेंट है वहां पे, तो आपको पता है कि वहां पे पीटीएस ने क्या अपने ये दोनों काम ज्यादा करवाने हैं, और उन दोनों कामों का नेट इफेक्ट जो है होगा वो क्या होगा कि वहां पे ज्यादा रीजॉर्प्शन हो रही होगी एज कम्पेयर टू एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन से ज्यादा रीजॉर्प्शन हो रही होगी. तो जब रीजॉर्प्शन होती है तो उससे क्या होता है, रीजॉर्प्शन क्या है, बोन से ब्लड में आ रहा है ना, ठीक है ना मेरे जी. हाँ सही. हाँ तो बोन में आएगा, तो बोन में बोन से ब्लड में आएगा कैल्शियम, तो फिर उससे क्या होगा, हाइपर कैल्शियम, कैल्शियम का लेवल ब्लड में ज्यादा हो जाएगा, ठीक है. ओके ठीक है, थैंक यू सो मच. वेलकम. समझ लग गई, ये तो बताया करो वैसे ही ना कह दिया करो कि यार नहीं लग गई है समझ. चलो ठीक है. ये ओवरऑल इफेक्ट जो होते हैं ना, जिस तरह हर चीज के दोनों जगह पे हो रहे होते हैं, लेकिन उनका हम जो अल्टीमेटली हम जो इफेक्ट कंसिडर करते हैं वो नेट इफेक्ट होता है, कि उन दोनों को मतलब के प्लस माइनस करके जिस तरह भी ओवरऑल इफेक्ट हमारे पास क्या आ रहा होता है, तो वो ही उसने यहाँ पे डिस्कस किया है. एनीवेज हम आगे चलते हैं. नॉन हार्मोनल थेरेपी या एजेंट जो है बिसफॉस्फेट. अच्छा, बिसफॉस्फेट जो है ना, अब इनका ये क्या है, आर शॉर्ट चेन ऑर्गेनिक फॉस्फेट कंपाउंड दैट रिड्यूस दी reduce both the resorption and formation of the bone by the action on the basic hydroxy apatite crystal structure. अब ये एक स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर है, जिसका मेन रोल ही क्या होता है कि टीथ या बोन की जो रिजिडिटी होती है या उसकी जो एक स्ट्रक्चर उसका जो बना होता है जिसकी वजह से ये बोन का मैट्रिक्स और ये सब कुछ डिवेल्प होता है, वो सारा रोल ही ये प्ले कर रहा होता है. तो वो ये कह रहा है कि रिड्यूस किस तरीके से करते हैं एब्जॉर्प्शन और रिजॉर्प्शन और फॉर्मेशन ऑफ बोन की, बाय एक्शन ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर पे जाके जो है ना वो अपना एक्शन शो करेगा, उधर अटैचमेंट करेगा, और जिसके रिजल्ट में क्या होगा कि वहां पे रिजॉर्प्शन या पे फॉर्मेशन ऑफ बोन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी. द बिसफॉस्फेट हैव अदर कम्प्लेक्स सेलुलर इफेक्ट्स, इंक्लूड इफेक्ट ऑन विटामिन डी प्रोडक्शन एंड कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट. द डायरेक्ट इफेक्ट ऑन osteoclast including inhibition of farnesyl pyrophosphate synthesis. अब ये एक एंजाइम है. अब वो पहले तो उसने आपको जनरली बता दिया ना कि इसका क्या क्या काम है, विटामिन डी पे क्या इफेक्ट दे रहा होता है, जी आई ट्रैक पे, फिर osteoclast पे. उसके बाद अब ये जो एंजाइम है, अब इस पे इसकी इनहिबिशन क्या करवाता है और वो किस तरीके से होती है. अब इनहिबिशन जो है वो इस एंजाइम का पहले हमें मेन असल रोल पता होना चाहिए कि ये करवा क्या रहा होता है, जो अब इनहिबिट होगा तो वो नहीं होगा रोल. तो यहाँ पे इस एंजाइम का असल काम क्या होता है, एन एंजाइम दैट अपीयर टू प्ले अ क्रिटिकल रोल इन ऑस्टियोक्लास्ट सर्वाइवल. अब ये जो एंजाइम है इसका मेन काम ही ऑस्टियोक्लास्ट के सर्वाइवल में है. आपको बताया जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो ऑब्वियसली फिर वो वाली जो है ये फॉर्मेशन ऑफ बोन वाला जो एक्शन है काम है ये रिड्यूस हो जाएगा. अच्छा, उसके बाद बिसफॉस्फेट आर यूज्ड टू मेंटेन मैनेज द हाइपरकैल्शेमिया एसोसिएटेड विद सम मैलिग्नेंसीज एंड टू ट्रीट पेजिट डिजीज क्रोनिक. या मैंने आपको पहले भी बताया था उसमें पेजिट डिजीज का केस में क्या हो रहा होता है. अच्छा, क्रोनिक बिसफॉस्फेट थेरेपी इज यूज्ड कॉमनली टू प्रिवेंट एंड ट्रीट ऑल फॉर्म ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस. इट हैज आल्सो बीन शोन टू इंक्रीज बोन डेंसिटी. आपके बोन कितनी डेंस है, कितनी उसमें मतलब, अब जाहिर बात है अगर डेंसिटी कम हो रही होगी तो जाहिर बात है वहां पे फिर क्या होगा कि जो उसकी स्ट्रेंथ में कमी आ रही होगी, सॉफ्ट हो जाएगी,
एंड रिड्यूस फ्रैक्चर्स, फ्रैक्चर्स को भी रिड्यूस करता है. आगे ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये सारा उसके जो फार्माकोकाइनेटिक्स है कि उसकी बायोअवेलेबिलिटी कितनी है, उसकी इसको हम किस तरीके से देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, ये वो. इसमें कोई ऐसा कोई मुश्किल चीज नहीं है. यहाँ पे बस वही उसने बताया हुआ है, ये देखें, आर अवेलेबल पेरेंटल ट्रीटमेंट फॉर हाइपरकैल्सीमिया एसोसिएटेड विद पेजेस. वही बातें दोबारा आ रही है. यहाँ से हम नीचे से दोबारा करते हैं. द प्राइमरी टॉक्सिसिटी ऑफ लो और ओरल बिसफॉस्फेट बिसफॉस्फोनेट डोजेस यूज फॉर osteoporosis is gastric and esophageal irritation. यानी कि जो अगर आप osteoporosis के लिए दे रहे हो उस patient को, तो उसमें जो major toxicity या major adverse effects आ रहे होंगे वो GI tract related होंगे. ठीक है, उसमें irritation आ रही होगी. अब इस चीज को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि patient को advise किया जाता है कि वो ज्यादा पानी के साथ इन agents को ले, ताकि and avoid situation that permit esophageal reflux. yani esophageal reflux tabhi ho raha tha jab aap overeating kar rahe hote ho ya khane ke fauran baad so jate ho ya phir aap bahut zyada koi acidic cheez intake kar lete ho. to wo yahi keh raha hai isko avoid kare. acha, taki koi aur jo hai source jo hai isko cause karne wala wo isko additive effect na de raha ho is cheez cause karne mein. अच्छा, the high doses of bisphosphonate used to treat hypercalcemia have been associated with renal failure. अच्छा, अब वो ये बात कर रहे हैं कि अगर आप high doses दे रहे हो इसकी, तो वो इसलिए दी जाती है कि hypercalcemia के लिए जो मतलब ट्रीट करने के लिए उसको, तो उसमें देखा गया है कि जब आप high doses देते हो ना इसको, तो इसमें क्या आता है हमारे पास toxicities में कि renal impairment आ रही होती है या osteonecrosis of the jaw, यानी उस जो बोन सेल्स होते हैं उनका नेक्रोसिस हो रहा होता है. रैंक लाइगेंड इनहिबिटर्स. अच्छा, अब ये क्या है? जी, ये इसी बिसफॉस्फेट्स के अंदर एक लाइन थी, फोर्थ लाइन, कि ये फॉर्मेशन ऑफ बोन को जो है वो रिड्यूस करती है. तो फिर अभी ऑस्टियोपोरोसिस में कैसे यूज होगी? ये देखो ना रिब्स, ये देखो ऑस्टियोपोरोसिस में हो क्या रहा होता है, पहले मुझे ये बताएं. मिनरलाइजेशन बोन की कम हो जाती है, कैल्शियम लेवल बोन का. हाँ, कम हो रहा होता है. तो यहाँ पे कर क्या रहा है, ये तो फॉर्मेशन ऑफ बोन को बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक और भी तो बात उसने किया, रिड्यूस दी रिजॉर्प्शन. रिजॉर्प्शन नहीं होने दे रहा, मतलब बोन से जो कैल्शियम वापस ब्लड में आ रहा है उसको नहीं आने दे रहा, मतलब जो कैल्शियम है उसको उधर ही रहने दे रहा है. तो इससे जो है हमारे पास क्या इफेक्ट आएगा कि जो उसकी डेंसिटी है या उसकी जो उसका स्ट्रेंथ है बोन की, वो कायम रहेगी हमारे पास, वो खत्म नहीं होगी, वो सॉफ्ट नहीं होगी बोन. ऑस्टियोपोरोसिस में मेन यही हो रहा था ना कि सॉफ्टनिंग हो रही होती है बोन्स की. क्यों? क्योंकि मिनरल जो होते हैं वो वापस आने लग जाते हैं ब्लड में. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बोन ये है कि फॉर्मेशन उसने ये बताया कि एंड द फॉर्मेशन बाय द एक्शन. अच्छा, फॉर्मेशन जो उसने ये वैसे बताया ना कि उस फॉर्मेशन को भी रिड्यूस कर रहा है, लेकिन हमारा ऑस्टियोपोरोसिस में क्या मेन रोल है? ऑस्टियोपोरोसिस में तो हमारे मिनरल्स की वो हो रही होती है ना, ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, तो उसमें हमारा रिजॉर्प्शन से कंसर्न है. ठीक, हो गया, सही है. ओके, थैंक यू अपी. अच्छा, आगे जो है ना रैंक लाइगेंड इनहिबिटर्स, ये क्या है कि एक रिसेप्टर्स के इनहिबिटर्स है, यानी उसको इनहिबिट करेंगे. रैंक जो है वो एक प्रोटीन है. अच्छा, अब ये जो है जीनोसोमा जो है इज ए ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी. मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती हैं कि वो एक ही उसका पेरेंट सेल होता है, उसी से सारी जो है आगे ड्राइव हो रही होती है, आगे वो प्रोड्यूस हो रही होती है. तो यानी उसका ओरिजिन एक ही होता है. दैट बाइंड टू एंड प्रिवेंट द एक्शन ऑफ रैंक, यानी उसको ओवर रैंक लाइगन को रैंक एल से डिनोट कर रहा है वो. अच्छा, अब ये ड्रग करती क्या है कि ये इनहिबिट करती है ऑस्टियोक्लास्ट फॉर्मेशन को और उनकी एक्टिविटी को. इट इज लीस्ट एज इफेक्टिव एज द पोटेंट. अच्छा, ये कम से कम इतनी इफेक्टिव जरूर है जितनी एज द पोटेंट बिसफॉस्फोनेट इन इनहिबिटिंग बोन रिजॉर्प्शन एंड कैन बी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस. कोई बात के इसने रिजॉर्प्शन को इनहिबिट करना है, तो रिजॉर्प्शन को इनहिबिट कर रही है, तो हम उसको किस में यूज कर सकते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस में. अच्छा,
उसके बाद उसने उसका वो फार्माकोकाइनेटिक्स बता दिए कि एवरी सिक्स मंथ हम इसको देते हैं सबक्यूटेनियसली और ताकि अवॉइड कर सकें जीआई ट्रैक साइड इफेक्ट्स को. उसके बाद ये बताया कि वेल टॉलरेटेड है और बट देयर कुड बी इंक्रीज इन रिस्क ऑफ ड्यूरेट. अब ये जो रैंक लाइगेंड नॉर्मली इसका फंक्शन जो होता है इम्यून सिस्टम में होता है, इम्यून सिस्टम की रेगुलेशन में होता है. तो क्या है कि जब हम इसको इनहिबिट कर रहे हैं थ्रू दिस ड्रग तो हमारे पास क्या आ रहा है, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं. ठीक है, इन्फेक्शन ज्यादा हो जाएगी ना क्योंकि इम्यून सिस्टम आपका उस तरीके से रेगुलेटेड नहीं है. ठीक है, अच्छा कैल्शियम होमोमेटिक्स जो है इसमें ये क्या करते हैं कि ये लोअर करते हैं पीटीएच को बाय एक्टिवेटिंग द कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स इन द पैराथायरॉइड ग्लैंड. पैराथायरॉइड ग्लैंड में जो कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स, आपको पता है ना मैंने आपको पहले बताया कि कैल्शियम का लेवल जब कम होगा ना तब पैराथायरॉइड हार्मोन एक्टिवेट होना है और अपना रोल प्ले करना है टू कॉज टू बैलेंस आउट द कैल्शियम लेवल. ठीक है, जो हाइपो हुआ हुआ है मतलब कि कम हुआ हुआ है, हाइपोकैल्शियमिया हुआ है, उसको नॉर्मल लेवल पे लेके आ रहा है. तो अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि ये ड्रग्स जो हैं ये पीटीएच को लोअर करती हैं. किस तरीके से लोअर करती हैं, बाय एक्टिवेटिंग कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर इन द अब कैल्शियम सेंसिंग जो रिसेप्टर्स होंगे यानी जो कैल्शियम को सेंस कर रहे होंगे उनको एक्टिवेट कर देंगे. अब वो जब ज्यादा एक्टिवेट हो रहे हैं, जब कैल्शियम ज्यादा उसके रिसेप्टर एक्टिवेट हो रहे हैं तो इसका मतलब पीटीएच में रिलीज नहीं होना. तो यहाँ पे फिर उस तरीके से पीटीएच का लेवल डिक्रीज हो जाएगा. इट इज यूज फॉर ऑल ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म. वही बात जो हमने पहले भी की थी कि सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म जो होती है वो किस कंडीशन में हो रही होती है, सीकेडी में, यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज में. एंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकैल्शियमिया इन पेशेंट विद पैराथायरॉइड कार्सिनोमा, यानी जो जिनको कैंसर है या उनके कार्सिनोमा है पैराथायरॉइड ग्लैंड्स में, तो उन पेशेंट में क्या हो रहा था कि हाइपरकैल्शियमिया हो रहा था, तो हम उनमें ये दे सकते हैं. क्योंकि जाहिर बात है जब वहां पे कैंसर होगा तो वहां पे जाहिर बात है ओवर प्रोडक्शन हो रही होगी और वो ग्लैंड ज्यादा उसके साइज में भी इंक्रीज होगा और उसकी वर्किंग भी ओवर मतलब ओवर प्रोडक्शन ऑफ दोज हार्मोन्स हो रही होगी. तो फिर हमें वो चीज तो चाहिए नहीं, हम तो चाहते हैं कि उसका नॉर्मल फंक्शनिंग हो, तो हम उसको उसके लेवल को पीटीएच के लेवल को कम कर सकें थ्रू दीज ड्रग्स. अच्छा, इट्स टॉक्सिसिटी इंक्लूड हाइपोकैल्शियमिया, मतलब कि जाहिर बात है अगर आप ज्यादा ले लोगे तो वो जरूरत से ज्यादा कम हो जाएगा. और एडिनेमिक बोन डिजीज, ए कंडीशन प्रोफाउंडली डिक्रीज इन बोन सेल एक्टिविटी. अब इस डिजीज में क्या हो रहा था कि बोन की सेल की एक्टिविटीज जो है यानी उसका नॉर्मल फंक्शनिंग जो है वो कम्प्रोमाइज हो जाएगी. आगे फ्लोराइड, फ्लोराइड तो आपने बड़ा ये टीवी एड्स में भी देखा होगा टूथपेस्ट में कि जी फ्लोराइड ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, डेंटल जो कैविटीज हैं या जो भी डेंटल मसले हैं उसको जो है बेहतर करने के या इम्प्रूव करने के लिए फ्लोराइड के वो पेस्ट जो है उसमें यूज करते हैं. अच्छा, अब आगे ये बता रहे हैं अप्रोप्रिएट कंसेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन इन ड्रिंकिंग वाटर और एज एन एडिटिव इन टूथपेस्ट हैव वेल डॉक्यूमेंटली अवेलेबिलिटी टू रिड्यूस डेंटल क्लीनिंग. अच्छा, अब ये यही कह रहा है कि उसमें जो है वो वही जो मैंने आपको बात की कि डेंटल जो कैविटीज वगैरह हैं उनको रिड्यूस कर देगा. जब मैं तेज से बोलती हूँ ना तो मैं अड़ने लग जाती हूँ, तो इस वजह से. एनीवेज, क्रॉनिक एक्सपोजर टू द आयन, लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा इस चीज को लोगे ना, इन आयंस को लोगे, तो ये क्या करेंगी, स्पेशली इन हाई कंसेंट्रेशन में इंक्रीज बोन न्यू बोन सिंथेसिस. ठीक है, क्रॉनिकली अगर आप यूज करते हो तो इसको बोन की सिंथेसिस में जो है ये उसमें भी अपना रोल प्ले करते हैं. It is not clear, however, whether this new bone is normal in strength. करती तो है increase, bone synthesis बढ़ाती है, लेकिन अब ये नहीं हमें पता कि वो जो बढ़ा रही है वो normal bone होगी, उसकी strength normal होगी या फिर वो abnormal होगी, या उसकी growth या उसकी formation abnormal होगी. Clinical trials of fluoride in patient with osteoporosis have not demonstrated a reduction in fractures. ठीक है,
यानी कि क्लिनिकल जो यूज किया गया जब फ्लोराइड कोफिशिएंट में विद ऑस्टियोपोरोसिस, तो उसमें नहीं हमें पता लगा कि फ्रैक्चर्स जो हैं वो रिड्यूस हुए हैं, उसने में ये नहीं शो हुआ रिजल्ट्स। अच्छा, एक्यूट टॉक्सिसिटी ऑफ फ्लोराइड इज मैनिफेस्टेड बाय जीआई ट्रैक्ट और या फिर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आने लग जाएंगे अगर आप ओवर डोजेस कर लोगे, या फिर जीआई ट्रैक्ट की डिस्टर्बेंसेज जो है वो भी हो सकती है। आगे हम अगर दूसरी ड्रग्स के बारे में बात करें जो इनके अलावा हम यूज कर सकते हैं फॉर मिनरल हीमोस्टेसिस, तो उसमें कौन कौन सी आ सकती हैं? एक तो है स्ट्रॉन्शियम रेनालेट, जो एन ऑर्गेनिक आयन बाउंड टू टू एटम्स ऑफ स्ट्रॉन्शियम प्रमोट ऑस्टियोक्लास्ट एपोप्टोसिस, इंक्रीज कंसेंट्रेशन of bone formation markers, ठीक है? Markers वही होते हैं यानी जो आपको जिस तरह के आपको कोई indication दे रहे होते हैं, आपके serum में आ रहा है कि हाँ इससे ये effect आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि bone formation marker, मतलब कि हमें कोई ऐसे result आ रहे हैं या कोई ऐसे signs मिल रहे हैं जिससे हमें पता लगता है कि bone formation वाकई ही ज्यादा हो रही है। It is used in general for treatment of osteoporosis. अच्छा, गैलियम नाइट्रेट जो है इज इफेक्टिव इन मैनेजिंग द हाइपरकैल्सीमिया एसोसिएटेड विद सम मैलिग्नेंसी एंड पॉसिबिलिटी पेजेंट डिजीज। ये अब एक और एजेंट की बात की, वही जो हमने डिजीजेस वही रहेंगी, मसले वही हैं, वही सारे हैं, बस एजेंट डिफरेंट आ रहे हैं। मैलिग्नेंसीज और पेजेंट डिजीज में इट एक्ट बाय इनहिबिटिंग बोन रिजॉर्प्शन, बोन की रिजॉर्प्शन कम करवाएगा, तो उससे हमारे पास क्या होगा, जो बोन की स्ट्रेंथ है वो रिस्टोर होने लग जाएगा। टू प्रिवेंट नेफ्रोटॉक्सिसिटी पेशेंट नीड टू बी वेल हाइड्रेटेड एंड टू हैव ए गुड रीनल आउटपुट, ठीक है? अब अगर नेफ्रोटॉक्सिसिटी ये कर सकता है लेकिन उसको अवॉइड करने के लिए हम पेशेंट को कहते हैं ज्यादा पानी पियो ताकि उसके किडनी जो है वो एफिशिएंटली वर्क करते रहे और रीनल आउटपुट अच्छा होता जाए, आउटपुट जो है उसका अच्छा। एंटीबायोटिक पेलिकामाइसिन जो है या मिट्रामाइसिन, ये जो है has been used to reduce serum calcium and bone resorption in Paget's disease and hypercalcemia because of the increase of serious toxicity. अच्छा, अब ये toxicity का cause कर सकती है, जिसमें उसने आगे बता दिया क्या हो सकता है, thrombocytopenia हो सकता है, यानी thrombocytes का level decrease हो सकता है, hemorrhage हो सकता है, hepatic या renal damage हो सकता है। अच्छा, अब ये ड्रग जो है इस वजह से, इन सब वजह से इज रिस्ट्रिक्टेड मेनली टू शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट, यानी कि जो थोड़े अरसे के लिए आप ट्रीटमेंट देते हो ना, मतलब कि ज्यादा लंबी लॉन्ग ड्यूरेशन महीनों वाली या सालों तक चलने वाली ट्रीटमेंट में नहीं, बल्कि जो कुछ अरसे के लिए होती है उसमें आप इसको यूज कर सकते हो सिर्फ, क्योंकि इसकी टॉक्सिसिटी हमारे पास काफी मेजर है। सेवरल डायूरेटिक्स, अब बहुत सारे डायूरेटिक्स भी हैं जो इस तरह के हमारे पास काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जाहिरी बात है जो डायूरेटिक्स है उनका फंक्शन ही किडनी पे है, तो अगर हम उनको यूज करेंगे तो ऑब्वियसली हम जो इलिमिनेशन है उससे उसमें ऊपर नीचे उसको जो है रेगुलेट कर सकते हैं। कैन अफेक्ट सीरम एंड यूरिनरी कैल्शियम लेवल्स, ठीक है? ये जो है वो उसका बता रहा है कि जाहिरी बात है क्योंकि वो डायूरेटिक है तो वो क्या करेंगे, जब वो यूरिन पास आउट करेगा पेशेंट, तो साथ में जो मिनरल्स हैं वो भी एक्सक्रीट आउट होंगे, तो हम उनको जो है थ्रू दीज ड्रग्स थायजाइड या डायूरेटिक्स, थायजाइड डायूरेटिक्स या फ्रोजेमाइड कैन अफेक्ट सीरम एंड यूरिनरी कैल्शियम लेवल्स। अच्छा, द फॉस्फेट बाइंडिंग जेल, अब फॉस्फेट के साथ बाइंड करती है जाके ये जो ड्रग है सेवेलमर, ये इज यूज इन कम्बिनेशन विद कैल्शियम सप्लीमेंट्स, उन कैल्शियम सप्लीमेंट्स के साथ ही जो है यूज की जाती है। एंड डाइटरी फॉस्फेट रिस्ट्रिक्शन टू ट्रीट हाइपरफॉस्फेटीमिया, ए कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ रीनल फेलियर। अब ये जो है हाइपरफॉस्फेटीमिया यानी फॉस्फेट का ब्लड में लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो है ये किस कंडीशन में हो रहा होता है, ज्यादातर एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ रीनल फेलियर, हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर विटामिन डी की इंटॉक्सिकेशन हो रही है उस कंडीशन में भी, तो उसमें जो है हम ये यूज कर सकते हैं।
उसके बाद आगे आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, और उसके नीचे अगर जाए आपकी ये जो समरी है ना, ये आपने इसमें से मैं बताती हूँ, ये जो समरी है ना इसमें से आपने कुछ भी नहीं छोड़ना, इसको तो आपने एज इट इज बिल्कुल जैसा कहते हैं ना रट्टा मार लेना है वो कर लेना है, मतलब इस चैप्टर को आप छोड़ ही नहीं सकते, आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस यूनिट में, अदर देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड एंटी डायबिटिक एजेंट्स, ठीक है। तो इसकी आपने समरी बहुत अच्छे से जो है ना पूरी एज इट इज जो है ना याद कर लेनी है। इसके अलावा किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे पूछ सकता है, बाकी बस यही था आज का।